है लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है। हम बात करते हैं कि लोगों से किस तरीके का उत्साह है आज हनुमान जयंती में और किस तरीके से मना रहे हैं आप। आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इतनी बड़ी हनुमान ध्वजा यात्रा निकली है और सभी लोगों में इतना उत्साह है, इतनी उमंग है। सब लोग श्री राम में हो चुके हैं और राम जी के जन्म हनुमान जी के जन्म के अवसर पे सब लोग प्रभु श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और सबकी यही कामना है कि भारत देश हमेशा विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता रहे, सब में भाईचारा हो, सब प्यार से आगे बढ़े और सब लोग मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़े, यही इसका उद्देश्य है। और मास मदिरा मुक्त काशी भी आज हम लोगों ने संदेश एक दिया है कि हमारी जो काशी है मास मदिरा मुक्त हो, युक्त हो और जो भी चीजें हैं वो बहुत ही सकारात्मक रूप से आगे बढ़े। किस तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा है, कितनी लंबी यात्रा है ये? हनुमान समिति द्वारा आयोजित हनुमान ध्वजा यात्रा का रूप आज बृहद है, प्रभु भी हम लोग के साथ है, मौसम भी हम लोग के साथ है, खूबसूरत हवाएं चल रही है। हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने में चार चांद लग गया इस मौसम को और आप पीछे भीड़ जिस तरफ से देख रहे हैं 50,000 के लगभग भीड़ है। और मैं अपने सभी समस्त वासियों से हनुमान जन्म सेवा समिति का ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हनुमान जयंती की जो धूम है वो काशी में दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपको ले चलेंगे कि जो भगवान श्री राम का राज दरबार है वो भी प्रभु हनुमान जी के साथ दिखाई दे रहा है और इसकी अलग अलग झांकियां जो है इस तरीके से दिखाई दे रही है, जहां पर प्रभु श्री राम अपने रथ के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुद प्रभु श्री राम के परम भक्त बजरंग बली भी यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये जो हनुमान ध्वजा यात्रा है ये अब धीरे धीरे संकट मोचन की तरफ बढ़ रही है और पूरा बनारस इस समय हनुमान जयंती के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जो है केसरिया झंडा और भगवान श्री राम के जय जयकारा नजर आ रहा है। आगे लेकर चलेंगे देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रभु श्री राम का राज दरबार का रथ है उसके साथ साथ देवाधिदेव महादेव की सगरी में भगवान शिव भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के जो आराध्य हैं वो प्रभु महादेव हैं और महादेव की भी यहाँ पर जो झांकी है वो दिखाई दे रही है। तो इस समय जो बनारस है वो पूरी तरीके से जय श्री राम और जय बजरंग बली की गूंज से गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हनुमान जयंती के अवसर पर आज दिन भर काशी में इसी तरीके का माहौल रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8, वाराणसी।